आप सब, मैं मोनिका स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम व्रत के लिए मखाने की खीर बनाने वाले हैं। ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में इजी भी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, जहाँ की समा के चावल या साबुदाने की खीर बनाने में समय लगता है, टाइम लगता है काफी, ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में टेस्टी भी बहुत होती है और ये आपको काफी एनर्जी भी देती है व्रत में। तो चलिए फटाफट से हम इसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन में लेंगे एक टेबलस्पून के करीब घी। मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। घी पिघल गया है, अब इसमें 2 कप मखाने डाल रही हूँ। अब इन मखानों को हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी हो जाएं। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, एकदम से तेज आंच पर नहीं करेंगे रोस्ट। आप मीडियम फ्लेम पर या लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको रोस्ट करें। मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं, ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। ये हाथ से जब इस तरह से आप फोड़ेंगे तो ये आराम से फूट जाते हैं, तो क्रिस्पी हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब घी और डालूंगी। अब इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून काजू हैं और 2 टेबलस्पून बादाम। मैं इसे रोस्ट करके डाल रही हूँ, आप बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। लाइट गोल्डन कलर हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं इन्हें हमें भूनना है। काजू बादाम को भी 1 से 2 मिनट के लिए हमने रोस्ट कर लिया है, देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है। बस अब हम इसको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में मैं 4 कप दूध डाल रही हूँ। मैंने सब चीजों का मेजरमेंट मेजरिंग कप से किया है, आप किसी भी कप या कटोरी को रखें उसी से सब चीजों का मेजरमेंट कर लें। तो ये 4 कप दूध है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, दूध की मलाई नहीं निकाली है। इससे हमारी जो खीर है ये बहुत ही क्रीमी बनेगी, एकदम मलाईदार बनेगी। तो आप दूध में से मलाई ना निकालें, मलाई के साथ ही दूध यूज करें। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और दूध में उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ गया है, अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और दूध को चला देंगे। फ्लेम कम करके इस दूध को गाढ़ा होने देंगे, लगभग हमारा दूध आधा रह जाए, इतना गाढ़ा हमें करना है। और फ्लेम को हमें इतना कम करना है कि हमारे बर्तन में से दूध उबलकर बाहर ना गिरे। दूध को हम गाढ़ा होने देते हैं, उतने हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जितने हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, ये हमने काजू और बादाम जो रोस्ट करके रखे हैं इनको हम बारीक चॉप कर लेंगे। मैंने बादाम बिना छिलका उतारे ही लिया है, आप चाहें तो इसको भिगो लें बादाम को पहले और इसका छिलका उतार कर तब भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बारीक काट लेंगे। और ये जो मखाने हैं रोस्ट किए हुए, इसको हमें 4-5 हम अलग से रख लेंगे इसमें से मखाने, और बाकी के इसको हमें चूरा करना है। हमें इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही हम इसको चूरा करेंगे। मिक्सी में आप ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मिक्सी में इसका बहुत बारीक पाउडर भी बन सकता है, बहुत बारीक हो जाएगा और वो एकदम घुल जाएगा खीर में, तो अच्छा नहीं लगेगा। हमें इसे दरदरा ही रखना है। तो आप इस तरह का ये जो अदरक कूटने वाला होता है इसमें भी कूट सकते हैं इसको, या इस तरह से कोई कटोरी ले लें और उससे इसको, ये देखिए ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, इस तरह से थोड़ा दरदरा कर लें। दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है, लगभग आधा रह गया है दूध। दूध को पकाते समय इसे बीच बीच में चलाते रहें और किनारे पर जो ये इस तरह से मलाई जम जाए इसको आप इस तरह से निकालकर दूध में ही वापस डाल दें, इस तरह से। अब दूध हमारा लगभग आधा रह गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 केसर के धागे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो रहने दें, स्किप कर दें। अब इसमें ये क्रश किए हुए मखाने भी हम डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। मखानों को मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे। इसे मखाने को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो बस 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। 2 मिनट के लिए मखानों को दूध में हमने पका लिया है। दूध अब काफी गाढ़ा हो चुका है, तो इसे आप लगातार चलाते रहें। अब इसमें डाल देते हैं
जो काजू बादाम हमने रोस्ट किए थे और चॉप किए हैं इनको डाल देते हैं। एक टेबलस्पून के करीब पिस्ता है, इसे भी बारीक काट लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं। और एक टेबलस्पून किशमिश है, ये भी डाल रही हूँ। और ये 1/3 कप चीनी है। मुझे ज्यादा मीठी खीर पसंद नहीं है, इसलिए मैं 1/3 कप ही डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद खीर को हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद खीर और भी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको 1 मिनट के करीब और पकाएंगे। चीनी डालने के बाद खीर को हमने 1 मिनट के लिए और पका लिया है। खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए काफी गाढ़ी हो गई है खीर। और एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी पतली हो। वैसे आप अपने पसंद के हिसाब से गाढ़ा रख सकते हैं, जितनी गाढ़ी खीर आपको पसंद हो। और ठंडी होने के बाद खीर और भी गाढ़ी हो जाएगी। 1 मिनट के लिए हमने इसे इसलिए पका लिया है क्योंकि चीनी का जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी ना आए खीर में। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच ये इलायची पाउडर है, ये मैं डाल रही हूं। और गैस को हम बंद कर देंगे। खीर हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ऊपर से। और जो मखाने हमने बचा कर रखे थे उन्हें भी हम गार्निश कर देंगे। हमारी स्वादिष्ट मखाने की खीर बनकर तैयार है। अगर आप गर्मा गर्म इसे खाना चाहें तो फटाफट इसे सर्व करें। और अगर आप मेरी तरह ठंडी खीर खाना ही पसंद करते हैं तो आप पहले इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें। वैसे ये खीर ठंडी बहुत अच्छी लगती है, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो हमारी खीर बनकर तैयार है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें।